तो गाइज द फ्लैश मूवी को रिलीज होने में अब लगभग सिर्फ एक महीने का ही टाइम बचा है और ये मूवी श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर तो होने वाली है, तो गारंटी है। और इस मूवी में कितने अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं उसके बारे में हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हैं। रिमोर्स तो ऐसे भी हैं कि फ्लैश के टाइम ट्रेवल की वजह से हमें कई पुराने बैटमैन और सुपरमैन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हेनरी कैविल के सुपरमैन की झलक हमें देखने को मिल सकती है। बट एक और सुपरमैन है जो हमें देखने को मिल सकता है, वो है हमारे निकोलस केज, जो एमसीयू फैंस के लिए तो गोस्ट राइडर हैं बट डीसी में वो सुपरमैन बनने जा रहे हैं। र्यूमर के अकॉर्डिंग वो इस मूवी में एज ए सुपरमैन एक जैंट रोबोटिक स्पाइडर से लड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि हो सकता है जब फ्लैश टाइम में ट्रेवल करेगा उस टाइम हमें ये कैमियो देखने को मिल जाए। खबर पूरी तरह पक्की तो नहीं है बट डीसी पूरी तरह रिबूट होने जा रहा है इस मूवी के बाद, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। सो आप कितने एक्साइटेड हो निकोलस केज को एज ए सुपरमैन देखने के लिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।